सोचा कि क्लिकियारा का वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। बेटेश्वर पेट क्लिनिक जहाँ पे हम जाते हैं डॉक्टर कृष्ण घोष के पास, उसको ना बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है उसको। क्यों हम लोग पहुँच गए हैं। These three vaccines are mandatory. Hey guys, good evening. Welcome back to my channel and welcome back to a fresh new vlog. Fladdam, fladdam. Say good evening, mama. तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे नाइट कुछ स्पेशल खाने का तो सबका मन होता है और वही सेम बोरिंग खाना रोटी सब्जी। तो आज घर पे डेफिनेटली फ्राइडे बना है कुछ स्पेशल अच्छा सा डिनर। मैं बना रही थी चिली फिश और यहाँ पे मैंने उसके साथ बना है फ्राइड राइस। चिली फिश के साथ सबसे अच्छा यही कॉम्बिनेशन है और बाहर से हमने कुछ स्टार्टर भी मंगवाया है और ये सब का यही रीज़न है कि आज हमारे घर पे आया है बूम्बा। बहुत दिनों के बाद आया है, लास्ट आया था सत्यनारायण पूजा में, उसके बाद वो फिर से इस वीकेंड को आया है। हमने बोला कि चल जल्दी से आ जा, बहुत दिन हो गया कि हम लोग वीकेंड में मिले, गप्पे शप्पे किए, तो इसलिए वो आ गया है। वो फ्रेश हो रहा है और इनकी खुशी देखिए, लुक एट कियारा, खुशी में ऐसे ही सोई हुई है। क्यों क्यों लाडो बूम्बा गोल क्यों बूम्बा गोल तो अभी हम सब बैठे हैं डिनर टेबल पे। हियर इज बूम्बा, हाय। वही नहा धो के फ्रेश होके निकला है और यहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, हमने डिनर रेडी कर लिया है। बहुत ही सिंपल आइटम है, फ्राइड राइस एंड चिली फिश और उसके साथ इसका नाम क्या था जो हम बाहर से मंगवाए, पता नहीं, चिकन का कुछ। ये हम कुछ बाहर से स्टार्टर मंगवाया है चिकन का। यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा कैफे मिल गया है, कलकत्ता बिस्ट्रो, वहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। साथ एक चटनी सा कुछ दिया है, ये भी बहुत टेस्टी होगा। तो ये है आज का हमारा सिंपल डिनर, क्योंकि डिनर में बहुत सारा चीज़ें खाने का मन नहीं होता है और बूम्बा डाइटिंग भी कर रहा है एक स्पेशल रीजन के लिए, वो हम लोग बाद में बताएंगे अभी नहीं, तो इसलिए मैंने भी थोड़ा सिंपल ही रखा है आज। One eternity later. क्यों हम लोग कहाँ जा रहे हैं? क्यों और मैं अभी हम लोग जा रहे हैं कियारा के वैक्सीनेशन के लिए। कियारा को फ्रंट सीट में बिठाया मैंने। सिट डाउन, ओके सिट डाउन। अभी हम लोग निकल जाएंगे। तो ये जो स्काई का सिचुएशन होता है ना, बहुत मज़ेदार लगता है, क्लाउड्स एंड देन सन। तो थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है। अभी हम न्यू टाउन मतलब पिशवांगला गेट जो है वहाँ से हम राइट टर्न लेते हैं, तो बेटेश्वर पेट क्लिनिक जहाँ पे हम जाते हैं डॉक्टर कृष्ण घोष के पास, वहीं पे जा रहे हैं। हम लोग पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे मैं कार पार्क कर दूंगा, जबकि एक्चुअली हमको जाना होगा उस साइड में। तो ठीक है, क्यू को लेते हैं और चलते हैं। हाँ क्यों क्यों चले डॉक्टर अंकल के पास चले। क्यों, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर द वैक्सीनेशन? कियारा का वैक्सीनेशन हो गया है, अभी हम लोग जाएंगे। बहुत देर से डॉक्टर के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे थे, बट अभी हम लोग घर जाएंगे, बिकॉज बहुत लेट हो गया, 1:30 हो गया, मुझे ऑफिस का भी बहुत काम है। तो चलिए, sit down, relax, we are going home, we'll go and meet mama and Flurry.
तो अभी हम लोग घर की तरफ ऑलमोस्ट घर पहुंच ही गए हैं, जस्ट टू मोर मिनट्स वो रहा हमारा घर। क्यों चलें, घर चलें? उसको ना बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है उसको, बहुत तकलीफ होती है क्यों को कार में बैठने में। उसका उसके लिए बेस्ट जगह है एक्चुअली पीछे एकदम वहाँ पे बैठना, नहीं तो फिर वो बैठ नहीं पाती है ठीक से आराम से, हमेशा ऐसे करती रहती है हमेशा। To stay every single day, yeah. So hold me tight through the night. It's just us two. वैक्सीन लेके आज हमारा क्यू क्यू का था डिस्टेंपर पार्वो एंड कोरोना का वैक्सीन, रेबीज का वैक्सीन होगा इन अनदर 21 डेज, है ना? होगा बच्चे लेके नहीं आ रहा, ऐसे भी ये उसका सोने का ही टाइम है, उसका असली मस्ती आपको दिखेगा शाम को। मैं नहीं आ गया, नहीं नहीं आ गया, चल सो जाते। तुम कियारा के बेड में क्यों सोई हुई हो? चलो अपने बेड में जाओ, चलो साइड में उसको भी कर दो ना। नहीं अपने बेड में जाओ, क्या चुन रही है, क्या सुन रही है क्यूँ क्या? क्यों डैडी काम कर रहे हैं बाबा, चलो सुसु तुम सुसु कर लो पहले, चलो 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 सुसु क्यों मैं आपको छोड़ के जाओ, हाँ मैं आपको यहाँ रहने दो, तुम चलो 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 सुसु कर लो, सुसु कर लो। कियारा एक बार उठ जाती है तो किसी को सोने नहीं देती है, मुंह हाथ जो मिलता है शी स्टार्ट्स लिकिंग इट। क्योंकि बारिश का मौसम है तो स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम इवनिंग 5:30 6 o'clock के बीच में इतना खूबसूरत हो जाता है, इतना खूबसूरत लगता है आसपास, तो इस टाइम पे बालकनी में आके खड़े होना बहुत अच्छा लगता है। और लुक एट दिस, मैंने कुछ ज़्यादा मैंगोज़ खा लिया है, ये मेरे साथ बहुत कॉमन है, गर्मी के टाइम अगर थोड़ा सा ज़्यादा मैंगो खा लूँ तो द फर्स्ट थिंग इट शोज अप ऑन माई फेस। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि मैं मैंगोज़ नहीं खाऊंगी, साल के ये 2 ही महीना है जब मैंगोज़ मिलते हैं और मुझे मैंगोज़ खाना बहुत पसंद है। दिस विल कम एंड गो, तो मैं इसको लेकर इतना परेशान भी नहीं होती हूँ। हाँ थोड़ा तो बुरा लगता है, थोड़ा दर्द होता है और भी फेस के ऊपर होता है तो बहुत बुरा लगता है, बट ठीक है चलो उसके लिए मैंगो खाना थोड़ी ना छोड़ दूंगी। मैंगो को मैं अच्छे से पानी में भिगो के जैसे भी करके खाऊँ, बट क्योंकि मैंगोज जनरली प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट इन योर बॉडी और मेरे बॉडी में कुछ भी इधर उधर होता है तो सबसे पहले वो मेरे फेस पे या मेरे स्किन पे दिखता है, बट दैट इज़ ओके। अभी भी मेरे फ्रिज में मैंगो भरे पड़े तो मैंगोज खाना मैं बंद नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे कियारा का कोशिश है कि वो कैसे भी करके डैडी के पास जाए। को था डैडी को था डैडी के पास चलो को था डैडी को था चाहे एक खाने हाँ ए डैडी सुसु करें नीचे उसको उठ के ही पहले डैडी चाहिए। ए इतने टाइम से तो मामा के पास सो रही थी, हाँ अभी अचानक से क्या हो गया? अभी 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 डैडी के पास जाना है। हार्डली 1.5 घंटा हुआ है डैडी से मिले हुए, ऐसे करेगी जैसे 1.5 महीने बाद मिल रही है। फ्लाडू उठे पड़ो बाबा, चलो
गुड इवनिंग होएगा जी हैं बाबा, गुड इवनिंग होएगा जी, चलो हैं ठीक है ओके कर जी तो क्या करबो हां गुंडी है, गुंडी नंबर वन। पूरे दिन घर का काम करते करते ना और कहाँ से टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। तो जैसे आपने देखा आज हमारा कियारा का वैक्सीनेशन हो गया एंड जिस दिन वैक्सीनेशन होता है और उसके नेक्स्ट वाले दिन क्या पपीज़ दे डू फील लिटिल ड्राउजी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत ही कॉमन है। लाइट फीवर आना, थोड़ा ड्राउजी रहना, प्लेफुलनेस कम होना, ये सब बहुत कॉमन है, ये एक या दो दिन में फिर से ठीक हो जाता है। वैसे भी मानसून के सीजन में अगर ये बारिश, कभी बारिश हो रहा है कभी धूप निकल रहा है, इस सीजन में मैंने हमेशा देखा है दे बोथ बिकम लिटिल स्लो। तो जो भी हो, आप में से बहुत सारे लोग मेरे चैनल में पूछते हो, क्योंकि मेरे चैनल बहुत सारे पेट पेरेंट्स फॉलो करते हैं, मोस्टली पेट पेरेंट्स फॉलो करते हैं, कि आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हो कि दीदी पपीज लिया है उसको वैक्सीनेशन कब करवाया, वैक्सीनेशन का क्या स्केड्यूल है, साल में कितना वैक्सीनेशन करवाया जाए। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ बताना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेटिंग योर पपी ऑन टाइम ऑन स्केड्यूल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज़ वाइटल? वन, बिकॉज ऑफ योर पपीज सेफ्टी, सेकेंडली फॉर योर ओन सेफ्टी। तो वैक्सीनेशन मोस्टली प्रिवेंटिव वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेज विच आर समटाइम फेटल इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम। सो वैक्सीनेटिंग योर पपी ऑन टाइम अगेंस्ट दिस डिजीजेज इंश्योर्स अटमोस्ट सेफ्टी ऑफ योर पपी एंड डॉग। आपका जब भी आप पहली बार पपी लेते हो तो सबसे पहला विजिट आपका होना चाहिए वेट के पास। वेट से जो जो चीज़ आपको कलेक्ट करना है, मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है कि नए पेट पेरेंट्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता देती हूँ। फर्स्टली वेट से आपको लेना है वैक्सीनेशन का स्केड्यूल, पपी का डाइट चार्ट एंड एक फुल बॉडी चेकअप, बॉडी वेट चेकअप, एज के हिसाब से बॉडी वेट ठीक है कि नहीं। जहाँ से भी पपी को ला रहे हो वहाँ से चेक करना कि जनरली 45 टू 50 डेज के अंदर जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है वो हो जाना चाहिए, दैट इज अ पपी डीपी वन, वो हुआ है कि नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्केड्यूल है जो आपको फॉलो करना है उसके बारे में आपको जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है, किसी और से नहीं आपके खुद के वेट से। जो चीज़ मैंने हमेशा देखा है कि सिटी वाइज या स्टेट वाइज ये वैक्सीनेशन का स्केड्यूल वैरी करता है, तो हमारे बैंगलोर में भी और कोलकाता में भी वेट से हमें एक पूरा ऐसा बुकलेट मिल जाता है, और ये होने के वजह से वैक्सीनेशन एंड डीवर्मिंग सारे स्केड्यूल मेंटेन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। कब हमने लास्ट उनको डीवर्मिंग किया है, कब ये ड्यू है, और वैक्सीनेशन का भी सेम, कब वैक्सीनेशन हुआ था, नेक्स्ट वैक्सीनेशन कब ड्यू है, ये सारे डिटेल्स हमारे पास ये बुकलेट में रहता है, तो हमें अलग से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैक्सीनेशंस दो टाइप के हैं, एक है मैंडेटरी और एक है ऑप्शनल। जो मैंडेटरी है वो है डिसेंपर, पार्वो एंड रेबीज, और जो ऑप्शनल है वो है कैनाइन कोरोना वायरस एंड उसके साथ कैनल कफ वैक्सीन। सो द प्रैक्टिस दैट वी सॉ इन बैंगलोर दैट द वेट यूज टू एडमिनिस्टर डिस्टेम्पर, पार्वो एंड रेबीज वैक्सीन टुगेदर ऑन द सेम डे, बट यहाँ पे कोलकाता में आके हमने देखा है कि वेट हमेशा पार्वो एंड डिस्टेम्पर का देते हैं एंड उसके 21 डेज के बाद वो देते हैं हमें रेबीज का वैक्सीन। ये तीन वैक्सीन एकदम मैंडेटरी है, इसको आप किसी भी हालत में अवॉइड नहीं कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द कैनाइन कोरोना वायरस, उसके बारे में हमें कोलकाता में आके ही पता चला है, उस बैंगलोर में हमें कभी इसको एडवाइस भी नहीं किया गया था। तो हमने कैनाइन कोरोना वायरस का वैक्सीन फ्लरी और केरा को लास्ट ईयर दिया था, इस ईयर फिर से देना पड़ेगा, वो ईयरली वैक्सीनेशन में पड़ जाता है। नेक्स्ट इज कैनल कफ, कैनल कफ इज ऑल्सो ऑप्शनल डिपेंडिंग ऑन द प्लेस यू आर लिविंग इन वेयर दिस वायरल कफ इज एक्चुअली फ्रिक्वेंट और नॉट। हमारे वेस्ट बंगाल में कैनल कफ इज वेरी वेरी कॉमन एंड फ्लरी गॉट सिक वंस, यू गाइस ऑलरेडी नो, उसका चेस्ट एक्सरे हुआ था, हम लोग बहुत डर गए थे कि वेदर इट्स कैनल कफ और नॉट, और वेट को जब पता चला कि उसका कैनल कफ का वैक्सीन कभी नहीं हुआ है, ही वॉज अवेयर कि बैंगलोर में इसका वैक्सीनेशन इतना कॉमन नहीं है, तो उन्होंने हमें कहा कि कोलकाता में इट्स नॉट द सेम, तो आप कोलकाता में जब आप रह रहे हो अभी परमानेंटली, तो आई वुड एडवाइस कि आप उनको ये वैक्सीनेट कर दो इसके अगेंस्ट, और वो भी हमने कर लिया था। सो ये है फ्लरी केरा का वैक्सीनेशन स्केड्यूल। जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँ जो चीज़ मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं आप लोगों में सबको ये अपील करूँगी कि अगर आपके पपी के वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं हो रहे, सो बैक अप गाइस एंड
प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो और ये आप कर रहे हो। आप दो टॉय कम खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनके हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। आपके पास चाहे जो भी ब्रीड हो, जो भी डॉग हो, पपी हो या एज्ड डॉग हो, कोई उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उनके हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलना चाहिए। तो आप अभी और फ्लरी कियारा को नहीं दिखा रहे हो क्योंकि कियारा थोड़ी सी टायर्ड है, आज रेस्ट ले रही है। जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर किया, आई होप कि पहले की तरह ये भी आपके काम आए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट। टेक केयर गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉसिबल। बाय बाय।